देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लता मंगेशकर के स्वर को सुनकर उनकी इस सुरीली आवाज़ को कोकिला नाम की उपाधि दी थी। उनके स्वर में ऐसी सुंदर वाणी निहित है जो सभी के दिलों में समा जाती है। 26 जनवरी 1963 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़े एक कार्यक्रम में लता मंगेशकर का शो प्रदर्शित किया गया था। उस समय भारत चीन युद्ध हुआ था जिसमें भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। लता मंगेशकर ने उन शहीद जवानों के लिए ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा सुंदर गीत देश के सैनिकों को समर्पित किया था। जब लता जी ने यह गीत गाया तो उनके इस सुरीली आवाज़ को सुनकर नेहरू जी इतना भावुक हो गए कि उनकी आँखों में आंसू की धारा आ गई। लता जी के गीत को सुनकर चारों तरफ तालियों की गूंज आ रही थी और लता जी की सुरीली आवाज़ की बेहद तारीफ करी जा रही थी। लता जी ने लगभग 30,000 से भी ज़्यादा गाने फिल्म इंडस्ट्री में गाए हैं।